विश्व का इकलौता ऐसा तीर्थ स्थल जहां पर नहीं नजर आएंगे आपको किसी भी दुकानों में ताले और नहीं नजर आएंगे किसी भी घरों के मुख्य गेटों पे दरवाजे, क्योंकि नहीं होती है यहाँ पर कभी चोरी चकरी और नहीं होती है यहाँ पे कभी लूटपाट, जिसके ऊपर रहती है सदाई शनि देव की कृपा। आज दर्शन करेंगे ऐसे तीर्थ स्थल के जो पड़ता है अहमदनगर जिले में, जहाँ पर शनिदेव खुले आसमान के नीचे बिना छत के, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या फिर हो बारिश का मौसम, अपने भक्तों को देते हैं दर्शन। शनि सिंगापुर का ये मंदिर मामा भांजा के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे कलयुग का न्याय देवता भी कहा जाता है। शनि सिंगापुर मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है रेणुका देवी का मंदिर, जो पूरा कांच का बना हुआ है, इसीलिए शायद इस मंदिर को कांच के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साईनाथ शिरडी के मुख्य मंदिर से शनि सिंगापुर की दूरी है 70 किलोमीटर की। रास्ते में आपको बहुत सारे गन्ने के शॉप नजर आ जाएंगे, ये है यहाँ का स्पेशलिस्ट और ये चलता है बैल के मेकेनिज्म से। शिरडी से पर पर्सन आने के 100 रुपये और जाने के 100 रुपये में आसानी से ट्रैवल मिल जाएगी। इस प्रोसेस को पूरा होने में लगते हैं 4 से 4.5 घंटे। शिरडी आप कैसे पहुंच सकते हैं, कहां पर रुक सकते हैं, उसकी भी मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में नजर आ रही होगी। आप चाहे तो वहाँ जाकर भी उसे वॉच कर सकते हैं। वैसे तो शनि सिंगरापुर में कोई स्टे नहीं करता है, पर आप करना चाहते हैं यहाँ पर स्टे तो भक्ति निवास में आपको आसानी से 300 रुपये में रूम मिल जाएगा। भगवान को 3 टाइम ऐसा पूरा चढ़ाते हैं, इतना आइटम आप 7 आइटम रहता है, आप सुख शांति के लिए इधर छुआ के भगवान के चरणों में लगा के आप घर भी लेके जा सकते हैं। ये घोड़े की नाल रहती है, आप एंट्री गेट को लगा सकते हैं यू आकार में ऐसा। ये डिंगला नज़र डिंगला रहता है, गाड़ी घर दुकान पे उल्टा लगाने का नज़र नहीं लगता। ये पूजा स्थान में रखने का शनि भगवान जी का कलश रहता है, शनि भगवान जी का ऐसा लक्ष्मी नवग्रह यंत्र रहता है, कपाश काउंटर का अलमारी में रखने का रहता है, शनि भगवान का सिद्ध यंत्र है अपने जेब में मनी पर्स में रखने का। इतना आइटम आप छुआ के 3 बार आप घर लेके जा सकते हैं, 1 बार घर लेके जाने का, 2 बार इधर चढ़ा देने का, और बाद में आने के बाद ये रेगुलर थाली रहता है चढ़ा देने का। सब इसमें क्या आता है, आंकड़े की माला है, काला कपड़ा है, त्रिशूल पर चढ़ा देने का, शनि भगवान जी के फूल भगवान के ऊपर डालो, नीचे नारियल, आपने खुद को बदन को टच करने का, ऐसा घुमाने का राइट में 3 बार घुमाने का, और उधर चरणों में खुद का नाम बोल के चढ़ा देने का, ऐसा अगरबत्ती इसमें हवन कुंड में डालने का, काला कपड़ा है त्रिशूल पर चढ़ा दो, ऐसा पूरा कंप्लीट थाली रहता है। इसमें बाकी आ गया नवधान्य रहता है, इसमें तिल सातू नमक रहता है, उड़द है, ऐसा तेल रहता है, तेल कितना भी चढ़ा सकते हैं, 1.25 लीटर रहता है, 1.25 लीटर रहता है, 15 लीटर रहता है। तेल से अभिषेक किया जाता है, आयल अभिषेक, शनि भगवान अच्छा रहता है। तेल चढ़ाते टाइम में तेल में मिक्स करने का और उधर चढ़ा देने का। चप्पन की थाली का आप कितना प्राइस लेते हो? 100 से और 250 रुपये तक रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। जिसके पास पैसा कम हो सादा भी चढ़ा सकता है, नहीं तो तेल भी चढ़ाए तो भी चलता है। जहाँ तक बात करें इसके इतिहास की, तो काफ़ी सालों पहले इस गांव में बाढ़ आई थी और पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ डूबने लगा। लोगों का कहना है कि इस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दैवीय ताकत पानी में तैर रही थी। जब पानी का स्तर कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ के नीचे एक अजीब गरीब पत्थर को देखा। इस पत्थर को उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया और जैसे ही उस व्यक्ति ने नुकीली चीज से पत्थर तोड़ने का प्रयास किया तो उस पत्थर से खून बहने लगा। ये देखकर वो व्यक्ति घबरा कर वहाँ से भाग गया। उस व्यक्ति ने गांव वालों को सारी बात बता दी। गांव वाले ये बात सुनकर हैरान हो गए और जैसे ही ये पता चला तो सभी ने उस पत्थर को हिलाने का प्रयास किया, लेकिन ये पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसी रात उस व्यक्ति के सपने में शनि देव आए और बोले, मैं शनि देव हूँ, मुझे नगर में स्थापित करो। और उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूँगा जब मुझे उठाने वाले लोग रिश्ते में मामा भांजा हो। तभी से ऐसी मान्यता है, यदि इस मंदिर में कोई मामा भांजा दर्शन के लिए आते हैं तो उसकी मांगी हुई हर मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। काला रंग शनि देव को अति प्रिय है। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो काले वस्त्रों को धारण करके आएँ। यहाँ पर पेट पूजा भी होती है, जिसके लिए आपको अलग से 500 रुपये खर्च करके अलग से पर्ची निकालनी पड़ेगी, जो आपको बाहर काउंटर से मिल जाए। 7 साल पहले तक शनि देव के इस मंदिर में महिलाओं का अंदर आना वर्जित था, पर 7 साल पहले हुए आंदोलन के बाद नारी शक्ति मंदिर में प्रवेश कर सकती है।
बगल में ही है शनि महाराज का रथ, उसके सामने ही है प्रसाद काउंटर, जहां से आपको 20 रुपए की नारियल वाली बर्फी मिल जाएगी जो होती है बहुत ही स्वादिष्ट। जय हो शनि देव। शनि देव को लोग बड़े ही क्रूर देव के नाम से जानते हैं, पर दरअसल ऐसा नहीं है। उनका काम है मनुष्य के कर्मों के अनुसार उनको फल देना। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरे फल मिलेंगे। सामने जो नज़र आ रहा है वो है अभी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट, जो अभी हाल में बन रहा है, जहां पर आने वाला है एक खूबसूरत लेक, गार्डन और भी बहुत कुछ। इस गांव के किसी भी घरों में आपको दरवाजे नज़र नहीं आते हैं। इसको देखने के लिए मैं अभी खड़ा हूं एक घर के बाहर। आप देख सकते हैं इस घर के मुख्य गेट पे कोई भी दरवाज़ा नहीं है। यहां पर लगभग सभी घर आपको बिना दरवाजे के ही नज़र आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे किसी नए प्लेस पे नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।